बच्चों का भविष्य सुधारना ही मेरा मकसद है। जकरिया लकड़ावाला। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनका परिवार भी आगे बढ़ेगा और इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए बच्चों में शिक्षा फैलाना और उन्हें आगे बढ़ाना मेरा बस यही मकसद है। ये शब्द हैं जकरिया लकड़ावाला के, जो जकरिया एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। बस बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। जी जी, बच्चे पढ़े लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये देश का भविष्य है। जी, एक बच्चा पढ़ लिख के अगर काबिल बनता है और उसको अच्छी नौकरी मिलती है तो उससे उसका पूरा घर परिवार पढ़ता है। जी, हमारा बस लक्ष्य ये है कि भाई बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। मतलब आज का क्या बांटा? बांटे हैं स्कूल के बैग, बांटे हैं जी, और कंपास बॉक्स है, लंच बॉक्स था, वाटर बॉटल थी, ये सब बांटे आज हमने। ये हमारी पूरी टीम है ट्रस्ट की। जी, और ये टीम इंशाल्लाह साथ में रह के आगे भी और सब सारे काम करेंगे। जी, अभी हमारा सितंबर में आना बांटने का प्रोग्राम है। जी, फिर कपड़े बांटने का प्रोग्राम है। इस तरह पूरे साल भर जो है प्रोग्राम चलते रहेंगे। जी, वैसे तो जकरिया ट्रस्ट अब खुद एक ऐसी पहचान बन चुका है जो गरीबों की मदद करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। इस बार रविवार के दिन रमजान अली स्कूल मालोनी में ट्रस्ट की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों को नोटबुक्स, स्कूल बैग्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल्स और कंपास बॉक्स बांटे गए। ट्रस्ट के इस काम की तारीफ नगर सेविका कमर जहां से देखी, नगर सेविका सलमा अलमेलकर और नगर सेवक वीरेन चौधरी ने की। ट्रस्ट जो काम कर रही है बहुत नेक काम कर रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें यहाँ के मालवनी के बच्चों के लिए इतना सोचा है। अच्छी बात है। और मैं और हमारे लाडले हमदर्द शेख हमेशा इन एनजीओ के लिए, हमेशा हेल्प करने के लिए हमेशा उनके साथ हैं। जब भी अच्छा नेक काम करेंगे हम सब इनका साथ देंगे। जो हमारे जकरिया ट्रस्ट ने जो प्रोग्राम रखा है बहुत अच्छा। हमारी मालवनी की जनता, गरीब जनता है, उनके साथ हम लोग भी साथ में रहते हैं और हमारे जनता को ऐसे जो सुविधा मिले वो बहुत अच्छा है। उनका भी नाम हो वो हम लोग भी सपोर्ट करें, इसलिए मैं इधर ट्रस्ट वाले को बहुत शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। मैं सराहना करता हूँ काबिल-ए-तारीफ जो काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही हर ट्रस्ट वाले सोचे, कुछ ना कुछ करे और जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को, जैसे इन्होंने अभी बैग दिए, डब्बे दिए, नोटबुक दिए, बहुत उनकी मैं सराहना करता हूँ। रमजान अली स्कूल में रखे गए इस प्रोग्राम में शिक्षा, समाज सेवा, पत्रकारिता और धर्म से जुड़ी कई बड़ी हस्तियाँ मौजूद थीं, जिनमें शेख दबीर टीचर, उम्मीद फाउंडेशन की सलमा मेमन, साकिब टाइम्स के रिजवान सिद्दीकी, अंजुमन सुन्नी जामा मस्जिद मालोनी के अध्यक्ष अजमल खान और हमीदानी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन सलीम दाऊद मेमन ने जकरिया ट्रस्ट के जरिए किए जा रहे कामों की खुले दिल से तारीफ की। मालवनी में आज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को ये सारी रिक्वायरमेंट्स दी जा रही है ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। हम बच्चों को भी यही कहना चाहेंगे कि आप अच्छे से मेहनत करिए और जकरिया भाई और सारे एनजीओ आपका आपके साथ देते रहेंगे। आपका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि पढ़ लिख कर कुछ बड़े बने। और जकरिया भाई को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और बेस्ट विशेस कि ऐसा प्रोग्राम वो करते रहे और हम सब उनका साथ देते रहेंगे। काम में एक तरीका बहुत पसंद आया कि वो सबको नहीं देते, उनकी जो टीम है वो टीम एक एक घर पर जाके उन बच्चों को अच्छी तरह से जांचती है, परखती है, उसके बाद उनको कूपन देती है कि आपको इस कूपन पे बैग मिलना है या इस कूपन पे आपको नोटबुक मिलनी है। ये सबसे अच्छी बात लगी। और जो डिसिप्लिन आप सभी नोट कर रहे हैं कि बहुत ही आराम से डिसिप्लिन में बच्चों को एक के बाद एक, जो पेरेंट्स आए, कभी कभी पेरेंट्स ख्वाहिश करते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है तो उसको वाटर बॉटल की ज़रूरत है या उसको सिर्फ स्कूल बैग दे दीजिए, तो वो उस तरह से मोहब्बत में देते हैं। और यही दुआएं हैं वो जो ले रहे हैं कि हम ये काम, इनका जो सुनने में आ रहा है 12वां सक्सेसफुल साल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 12,000 टाइम वो साल दिए और इस तरह का काम करते रहे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा, उनके किसी प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रोग्राम की कामयाबी से जकरिया ट्रस्ट के सभी ऑफिस बेरर के हौसले बहुत बुलंद हैं। नोटबुक थी, वाटर बॉटल थी, बैग था, लंच बॉक्स था। जी जी, कम से कम कितने लोगों को आज आप लोग ने ये दिया? आज काफ़ी लोग थे, ऐसा अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है। हमारी लिस्ट में 800 थे लेकिन लगभग 1200 लोगों ने लिया। 800 लिस्ट में थे, कम से कम 1200 लोग ने इसका फायदा उठाया।
तो आगे और क्या प्रोग्राम करने का? अभी आगे 24 सितंबर को राशन डिस्ट्रीब्यूशन। जी जी, थैंक यू सर। जी, हम यहाँ पर लोगों को और एनजीओस को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ काम करें। ये थोड़ी सी चीज़ के लिए लोग इतना परेशान होते हैं। हमने हज़ार कूपन बांटा था, कम से कम यहाँ पे 1500 के करीब लोग थे, तो 1200 1250 लोगों को दिया हमने, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बाकी सामान मंगा के फिर उनको कंप्लीट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ और एनजीओ से कि वो कुछ करें, सिर्फ एनजीओ बना के ना बैठे खाली। पब्लिक यहाँ पर आई चल के, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम हर साल यहाँ से हमारे को मिलता है, भले से चाहे वो 10 बुक मिले चाहे 5 बुक मिले, उनका एक जैसे 2 महीने में एक बुक तो बच्चे लोग को लगती है, तो उनको एक टारगेट बन गया है बच्चे लोगों को, क्या यहाँ से हमारे को अगर 5 बुक भी मिलेगी तो हमारा 1 साल आराम से निकलेगा। तो उस वजह से हमारे साथ पब्लिक भी जुड़ी हुई है अभी तक के, मैं तो 8 साल से देख रहा हूँ जी, क्या पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है और पब्लिक बराबर फ़ायदा उठाती है और हम लोग भी पीछे नहीं हट रहे पब्लिक की सेवा करने में। थैंक यू। इस ट्रस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें काफ़ी कम उम्र के यूथ शामिल हैं, जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाकर इस ट्रस्ट में खर्च करके आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज के बच्चों और बुज़ुर्गों के चेहरों पर मुस्कान लाकर दिली खुशी महसूस करते हैं। क्या करेंगे बुक से आप? लिखूंगा। लिखोगे? ठीक है, बुक मिली आपको, तो अभी बुक से आप क्या करेंगे बेटा? बुक दिखाओ। जी जी जी, तो आपको अच्छा लगा? तो अभी बुक से पढ़ाई करेंगे आप? जी जी, थैंक यू। लोगों को बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा काम कर रहे। अच्छा, बच्चे लोगों को बुक दे रहे, अच्छी बात है। अच्छा, they are doing a very good job because they are helping the poor children for their educational. I belong from a middle class family and I like this Zakaria Foundation and they are helping for poor children and their families. राजविंद्रा के साथ आबिद नकवी, प्रसन्न न्यूज़, मुंबई।